हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है, मैं आपको एक एलईडी बल्ब रिपेयर करके बताऊंगा। और आज का टॉपिक है एक एलईडी बल्ब रिपेयर। यह हमारा एक एलईडी बल्ब है जो कि यह HPL ग्लो एलईडी बल्ब कंपनी का है और यह 9 वाट का है। जो कि यह बल्ब खराब हो चुका है और रिपेयर के लिए आया हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में एलईडी बल्ब रिपेयर करना सिखाऊंगा। देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। यह हमारा 9 वाट का एलईडी बल्ब है, इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि किसमें प्रॉब्लम है। MCPCB एलईडी किट में प्रॉब्लम है कि ड्राइवर सर्किट में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इसको स्विच बोल्ट होल्डर में लगाकर एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर कंफर्म पर चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा स्विच बोर्ड है जो कि मैंने सीरीज बोर्ड बनाया है। एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये बोर्ड सही कि नहीं है। ये हमारा बोर्ड सही है, मतलब एलईडी बल्ब जल जा रहा है। और ये हमारा सीरीज बोर्ड है, इसी होल्डर में बल्ब को चेक करेंगे। ये मैंने एलईडी बल्ब को होल्डर में लगा लिया है। आप स्विच ऑन करके देखते हैं, यह हमारा ब्लिंकिंग के प्रॉब्लम कर रहा है, आप देख सकते हैं। आप इससे पहले और इसके बाद ड्राइवर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज देखते हैं कि कितना वोल्ट आ रहा है। तो मल्टीमीटर से हम इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। ये हमारा एक मल्टीमीटर है जो कि इस बल्ब का आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को DC 200 वोल्ट में सेट करेंगे, क्या कि इसका वोल्टेज हमारा 20 वोल्ट से अधिक होता है, इसलिए हम 200 वोल्ट में सेट करेंगे। ये मैंने मल्टीमीटर को DC 200 रेंज में वोल्टेज में सेट कर लिया है। आप इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। मैंने इसका वोल्टेज चेक किया तो इसका वोल्ट 23 से लेकर 25.5 वोल्ट के आसपास आ रहा है, मतलब यह कि इसमें लो वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब है कि ड्राइवर सर्किट खराब है। और एक बार MCPCB एलईडी किट को भी चेक कर लेते हैं, इसमें ड्राइवर सर्किट खराब है। और मैंने चिमटी की सहायता से शॉर्ट किया तो इस MCPCB एलईडी किट में भी खराब दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। इसको शॉर्ट करने पर एलईडी ग्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें लो वोल्टेज के कारण और MCPCB एलईडी किट एक एलईडी खराब हो गया है। अब हमको कंफर्म पता चल गया कि इसमें दोनों खराब है, MCPCB एलईडी किट और ड्राइवर सर्किट। आप चाहे इस बल्ब को टेम्परेरी रिपेयर करके चला सकते हैं। इसको
इस SMD LED को निकाल कर सोल्डरिंग आयरन से शॉर्ट करेंगे रांगर से, तब ये ठीक हो जाएगा। अब हम आपको इस बल्ब में कन्फर्म पता चल गया कि इसमें दोनों ख़राब है, मतलब सर्किट और MCPCB LED किट दोनों ख़राब है। इसके ड्राइवर सर्किट में लो वोल्टेज आ रहा है, 25 वोल्ट के आसपास आ रहा है, और इसमें एक SMD LED ख़राब है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही पता चले। धन्यवाद। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड उसको शेयर करें, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा यूट्यूब पर।